is the lovan Allah, 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 who is the lovan Allah, who is the lovan Allah, who is the Rahman Allah, who is the Manan Allah, who is the Rahim Allah. आइए अब आपको सुन लिए चलते हैं एक शायर के हुजूर। आए सावन का महीना तो गजल होती है। आए अच्छा आए है समझ में आया। वही मैं कहता था कब से मैं सदर मोहतरम ने काविज भाई से बात की असद भाई से कि अच्छे अशआर पढ़ता हूं तो कोई रद्द अमल नहीं होता। ये मिसरा ही बोल दिया। आए सावन का महीना तो गजल होती है। पास बैठी हो हसीना तो गजल होती है। सुनिएगा सदर मोहतरम हबीब सेठ साहब सुनिएगा क्या क्या इसमें रदीफ आ रहे हैं। आए सावन का महीना तो गजल होती है। पास बैठी हो हसीना तो गजल होती है। नील आंखों के समंदर में धड़कते दिल का डूब जाता है सफीना तो गजल होती है। काम करते हुए मजदूर जी हबीब साहब सुने कि मैंने बहुत बहुत शुक्रिया हबीब साहब की तरफ से माला आया है माल जी। आए सावन का महीना तो गजल होती है। पास बैठी हो हसीना तो गजल होती है। नील आंखों के समंदर में धड़कते दिल का डूब जाता है सफीना तो गजल होती है। काम करते हुए मजदूर की पेशानी से हबीब साहब काम करते हुए मजदूर की पेशानी से जब टपकता है पसीना तो गजल होती है। ये सनद है मेरे लिए कि मेहमान खुसूसी गुलपोशी कर रहे हैं सदर मोहतरम ने पर तालियां बजा के बतलाएं आप। मैं देखिए मैं आप YouTube उठा के देख लीजिए कहीं मैंने इतनी चंचलपन इतना ज्यादा वो नहीं किया है। सिर्फ ये आपको जगाने के लिए किया है। ये ताहिर नौजवान सा मासूम सा बच्चा ये है इसका मुशारा कामयाब हो जाए इसलिए ये मेहनतें मैं कर रहा हूँ लगातार आपको जगाने के लिए। आइए एक शायर के हुजूर आपको लिए चलता हूँ। आइए काविश करीमाबादी से मुलाकात की जाए। करीमाबाद से मेहमान शायर उस्ताद शायर जनाब काविश करीमाबादी अपने कलाम के साथ माइक पर। सदर मोहतरम और नाज़िम मुशायरा मेहमान खुसूसी आली जनाब हबीब सेठ साहब आइए अभी नाज़िम मुशायरा हसीना हो तो गज़ल होती है और क्या क्या कह रहे थे मैं उसी अंदाज का कलाम लेके आया हूँ बिल्कुल ताज़ा तरीन जी पेश करूंगा बस आप लोगों का थोड़ा साथ चाहिए। इरशाद इरशाद अब साथ देंगे ये लोग बिल्कुल ताजा तरीन जी जी। पहले दो तीन कथा पेश कर दूं उसके बाद में माइक पे काविश करीमाबादी आइए हजरात पेश करता हूँ बतौर खास जी इरशाद इरशाद चार मिसरे हाजिर करता हूँ। हबीब साहब की दुआएं चाहता हूँ। मैंने हबीब साहब का 25-30 साल पहले सेहरा पढ़ा था पता नहीं उनको याद है कि नहीं क्या बात आज फिर मैं क्या बात है तेरे खास पता मुराजा क्या बात है जी इरशाद तीस साल देखिए उनको याद है मुझको याद नहीं है बहरहाल अंदाजे से बताया बतौर खास मुराजा करें पेश करता हूँ बतौर खास कि बड़ा जलील है वो शान बेच देता है। बहुत शुक्रिया थोड़ा सा आप लोगों की हौसला अफजाई मिल जाए आप लोगों की ताली वाली मिल जाए थोड़ा सा पेश करता हूँ देखेंगे कि बड़ा जलील है वो शान बेच देता है बेच देता है चुरा के मीर का दीवान बेच देता है बेच देता है वो आदमी नहीं शैतान से भी बदतर है वो आदमी नहीं शैतान से भी बदतर है जो एक चाय पे ईमान बेच
काविश कदीमाबादी जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे भाई चाय का जवाब नहीं है। वाह 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 वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए चार मिसरा और पेश करता हूँ जी। इरशाद वतन के हवाले जी, कि हम कहीं देश में दंगा नहीं होने देंगे। क्या कहने हैं? और मैली कभी गंगा नहीं होने देंगे। और मैली कभी गंगा नहीं होने देंगे। आओ मिलजुल के सभी लोग यही अहद करें। आओ मिलजुल के सभी लोग यही अहद करें। आओ मिलजुल के सभी लोग यही अहद करें। तिरंगा नहीं होने देंगे। अपना तिरंगा नहीं होने देंगे। अब आइए गजल का मतलब पेश करता हूँ और डाई से जी। इरशाद जी जी, मतलब मैं गीत पे आऊंगा अब। बहुत शानदार, बिल्कुल मचल जाएंगे आप हजरात जी। थोड़ा सा पढ़ लो, बतर खास देखेंगे मतलब। कि माथे पे गुलाबों के क्या कहने हैं? शिकन देख रहा हूँ। क्या कहने हैं? कि माथे पे गुलाबों के शिकन देख रहा हूँ। माथे शिकन देख रहा हूँ। जलता हुआ कलियों का बदन देख रहा हूँ। जलता हुआ कलियों का बदन देख रहा हूँ। इतना खूबसूरत मतलब। थोड़ा सा एक बार जोरदार तालियां बजा के बतलाएं भाई। भाई मतला पढ़ा है। ये भी शेर देखेंगे बतौर खास आज के हालात पे है। कि गाते थे जहां लोग मोहब्बत के तराने। असद भाई रिशाद। कि गाते थे जहां लोग मोहब्बत के तराने। मोहब्बत के तराने। नफरत का तशद्दुद का चलन दे क्या कहने हैं? नफरत का तशद्दुद का चलन देख रहा हूँ। माथे पे गुलाबों के शिकन देख रहा हूँ। क्या कहने हैं? आइए एक मतलब और पेश करता हूँ जी। इरशाद उस्ताद मोहतरम के हवाले से पेश करता हूँ। इरशाद के अजीब कर बुसालम दिखाई देता है। के अजीब कर बुसालम दिखाई देता है। जिधर भी देखिए मातम दिखाई देता है। जिधर भी देखिए मातम दिखाई देता है। और ये हालात पे कि फजा में जहर ये नफरत का किसने घोल दिया। हबीब साहब की तो जो चाहूंगा कि फजा में जहर ये नफरत का किसने घोल दिया। फजा में जहर
रे ये नफरत का किसने घोल दिया, हमारा देश जहन्नम दिखा, वाह 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 वाह, क्या कहते हैं काविश करीमा बादी, वाह वाह वाह, दिखाई देता है। बहुत खूबसूरत आज की निजामत है रजब अली शेरवानी साहब की, बहुत शुक्रिया, इनकी दुआएं मिली, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं इनका। देखेंगे ये शेर जी इरशाद कि मेरे वजूद से चाहो तो रोशनी ले लो, उस्ताद मोहतरम, कि मेरे वजूद से चाहो तो रोशनी ले लो, तुम्हारी आँख से कुछ कम दिखाई देता है, क्या कहने हैं बाबा बाबा, तुम्हारी आँख से कुछ कम दिखाई देता है। आइए अब गीत पेश करता हूँ, मुलाजा करें जी इरशाद, कि चौदहवीं का चांद गुनगुनाएगा। थोड़ा सा आप हजरात ताली वाली बजा दे, थोड़ा खास दे देता हूँ, कि चौदहवीं का चांद गुनगुनाएगा जब वफा के गीत कोई गाएगा, तुमको मेरा प्यार याद आएगा, क्या कहने हैं, क्या कहने, तुमको मेरा प्यार याद आएगा। और बंद देखेंगे कि जिंदगी से जिंदगी के रंग से खुशबुओं से रूप से निखार से, के रोशनी से रोशनी के हुस्न से, चांदनी से फूल से बहार से, जब तुम्हारा दिल फरेब खाएगा, जब तुम्हारा दिल फरेब खाएगा, तुमको मेरा प्यार आएगा, तुमको काविश करीमा बादी आएगा, के आसमां से चांदनी की पालकी, क्या कहने हैं, जब जमीन पर उतर के आएगी, शायरी हो रही है वाह, के भीगी भीगी शाम झूम झूम के, क्या कहने, अपने आंचलों को जब सुखाएगी, कि जब भी कोई फूल मुस्कुराएगा, कि जब भी कोई फूल मुस्कुराएगा, तुमको मेरा प्यार याद आएगा, क्या कहते हैं, मेरा प्यार याद आएगा। और ये भी आखिरी बंद जी इरशाद, इरशाद के गांव के किसी हसीन मोड़ पर, क्या कहते हैं, जब सुनोगे प्यार की कहानियां, के आईने से जब नजर मिलाओगे, याद आएगी मेरी निशानियां, गांव के किसी हसीन मोड़ पर, जब सुनोगे प्यार की कहानियां, के आईने से जब नजर मिलाओगे, आईने से जब, के आईने से जब नजर मिलाओगे, याद आएगी मेरी निशानियां, जब भी दिल को दर्द गुदगुदाएगा, क्या कहने हैं, कि जब भी दिल को दर्द गुदगुदाएगा, तुमको मेरा प्यार याद आएगा।
आविश करीम आबादी। वाह तुमको मेरा प्यार याद आया, क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। अभी आप लोग पूरी तरह से बेदार नहीं हुए भाई, आपने इतना याद दिला दिया, खो गए हैं, खो गए, बिल्कुल खो गए हैं ये सब। पहले खोए थे लेकिन आपके कलाम से गौर खो गए ये लोग। ये तालियां बजा के इस्तकबाल करें काविश करने का। आइए थोड़ा जगाने की कोशिश करें। हाँ, आप जगाने की कोशिश करें कि तू मुझको, कि तू मुझको अपना बना ले। अरे अब तो बोल दीजिए भाई। वाह, कि तू मुझको अपना बना ले, सीने से अपने लगा ले, ऐ मस्त निगाह वाले, ऐ मस्त निगाह वाले, ऐ मस्त निगाह वाले, ऐ मस्त निगाह वाले, तू मुझको, तू मुझको, तू मुझको अपना बना ले, सीने से अपने लगा ले, ऐ मस्त निगाह वाली, मस्त निगाह वाली। के जाने तमन्ना जान से प्यारी, जाने तमन्ना जान से प्यारी, सारी अदा है तेरी निराली, सारी अदा है तेरी निराली, के अल्लाह चश्मे, अल्लाह चश्मे बद से बचा ले, अल्लाह चश्मे बद से बचा ले, तू मुझको अपना बना ले, ए मस्त निगाह वाले, ए मस्त निगाह वाले, ए मस्त निगाह वाली, ए मस्त निगाह वाली। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं काविश करीमा बादी। वाह 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 वाह, ऐ मस्त निगाह वाली, ऐ मस्त निगाह वाली, के अपने दिल से तुझको लगा लो, अपने दिल से तुझको लगा लो, और तुझी से तुझको चुरा लो, और तुझी से तुझको चुरा लो, कि आँखों में मुझको अपना बना ले, ऐ मस्त निगाह वाली। वाह वाह वाह, क्या कहने हैं, क्या कहने हैं काविश करीमा बादी। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा कलाम अभी आपके सामने काविश भाई पढ़ रहे थे।